तो रंगोली कलश बनाने के लिए सबसे पहले हमें राइस को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब हम रंगोली कलश बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू कलर बना रहे हैं, तो थोड़े से राइस हम अलग निकाल लेंगे और उसमें हम ब्लू कलर मिक्स करेंगे और हमें अच्छे से मिक्स कर ये देखिए हमारे कलर सूखने के बाद कितने अच्छे आ गए हैं। ये वीडियो हमने रात में शूट की है, इसलिए लाइटिंग की वजह से ये कलर थोड़े डल आ गए, डल दिख रहे होंगे आपको, बट ये रियल में बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप एक्रिलिक पेंट यूज करेंगे तो इसमें और भी शाइनी बनेंगे ये कलर। तो हैप्पी दिवाली, बाय बाय।